अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक सवाल है। नादिया इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर नजम। द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 37। हाउ ओल्ड इज़ नादिया? इस सवाल में ये कह रहे हैं कि नादिया जो है वो अपने भाई से 5 साल बड़ी है, और नादिया और उसके भाई की उम्र को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास रिज़ल्ट 37 आता है। आखिर में उन्होंने पूछा है कि नादिया की उम्र क्या होगी, तो इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे। मैं नजम की उम्र को एक्स कहता हूँ क्योंकि नजम की उम्र हमें मालूम नहीं, तो लिहाजा नजम की उम्र को मैं क्या कहता हूँ, एक्स। अच्छा, अभी नादिया जो है वो चूँकि अपने भाई से 5 साल बड़ी है, तो लिहाजा मैं अगर नजम की उम्र 1 साल होगी तो नादिया की उम्र एक्स प्लस 5 साल उम्र होगी ना, क्योंकि ये 5 साल बड़ी है, तो इसके साथ मैं 5 जमा करता हूँ। यानी अगर नजम की उम्र 11 साल होगी तो नादिया की उम्र 11 प्लस 5 होगी यानी 16 ईयर्स होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स प्लस 5 लिख लिया। अच्छा, अभी लास्ट में उन्होंने जो कहा है कि इनकी उम्र को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट 37 आता है, यानी नजम की उम्र जो 1 साल है और नादिया की उम्र जो एक्स प्लस 5 ईयर्स है, इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट 37 होता है। एक्स प्लस फाइव तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, 37। अच्छा, अभी अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, एक्स प्लस एक्स हमारे पास 2x आता है, और एक्स प्लस 5 को मैं उस तरफ पे शिफ्ट करता हूँ यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो इसका साइन भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, 37 उसी तरह आ जाएगा और माइनस 5 आ जाएगा। 2x को मैं उसी तरह लिख लेता हूँ और इक्वल का साइन लगा लेता हूँ, 37 माइनस 5 से हमारे पास रिज़ल्ट 32 आता है। अच्छा, अभी मैं अगर इसे मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 16। यानी अगर मैं 2x को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास रिज़ल्ट एक्स आता है, और अगर 32 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास रिज़ल्ट 16 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई। अभी इसी x की वैल्यू में ऊपर देखता हूँ कि x मैंने किस चीज़ को कहा था और x। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x मैंने किस को कहा था, नजम को, यानी नजम की उम्र हमारे पास 16 ईयर्स है, और नादिया की उम्र हमारे पास क्या है, x प्लस 5 यानी 16 प्लस 5 है, तो इससे हमारे पास क्या आता है, 21 ईयर्स आता है। तो यानी नादिया की उम्र हमारे पास 21 ईयर्स है और नजम की उम्र हमारे पास 16 ईयर्स है। अच्छा, अभी मैं 21 और 16 को आपस में ऐड करता हूँ यानी नादिया और नजम की उम्र को ऐड करता हूँ, तो हमारे पास रिज़ल्ट हम देखते हैं कि 37 आता है कि नहीं। अभी नादिया की उम्र क्या है, 21 ईयर्स है और नजम की उम्र 16 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट 37 आता है कि नहीं, तो यही इन्होंने सवाल में भी कहा था।